प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएं और सब्सक्राइब करें होमस्पन रेसिपीज़ को। हेलो एंड वेलकम टू होमस्पन रेसिपीज़। आई एम करिश्मा योर होस्ट विथ वन मोर रेसिपी। और आज मैं बनाना बताऊंगी मुनगा और आलू की सब्ज़ी। ये बहुत ही बेसिक रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच का जिंजर बारीक कटा हुआ, हरी धनिया, 4 से 5 ड्रमस्टिक्स यानी कि मुनगा उसे काट लिया है, आलू एक बड़ा और 2 हरी मिर्चें और कुछ करी लीव्स, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर आधा चम्मच, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक और जीरा 1/4 चम्मच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुनगे और आलू की सब्ज़ी बनाना। इसके लिए मैंने लिया है तेल और उसे मैंने गरम कर लिया है और फिर मैं इसमें डालूंगी जीरा, ये खड़ा जीरा है, और मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक और साथ में हम इसमें डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता। और जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बट अच्छी तरह से उसे फ्राई ज़रूर कर लें। जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो ये प्याज जो है ये फ्राई हो गई है और अब मैं इसमें अपने वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखे थे वो ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आलू और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ड्रमस्टिक्स यानी कि मुनगा, शेवगा, जो भी आप इसे बोलते हैं। तो हम इसे डाल देंगे और इसे चम्मच चलाएंगे और साथ में हम इसमें जो पाउडर स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी कि नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च का पाउडर जो है वो भी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। वैसे हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करने वाले हैं। अब देखिए इसमें मसाले पड़ चुके हैं और सब्जियां भी डल चुकी हैं, तो जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरी धनिया काट के, और थोड़ी हरी धनिया मैं बचा लूँगी बाद में गार्निश करने के लिए। तो अब मैं इसमें डालूँगी हरी धनिया। तो ये चली गई इसमें धनिया और अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा। तो मैं इसमें अराउंड 1/2 कप ऑफ वाटर डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें आ जाए इसलिए, और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ये ड्राई ही बनेगी, इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 कप जो है वो बहुत हो जाएगा। फिर हम इसे कवर करके सिम में यानी कि धीमी आंच में पकने देंगे अराउंड 10 to 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट इसे लगेंगे पकने में, और उसके बाद फिर हम इसे चम्मच चला लेंगे और चेक करेंगे कि सब्ज़ी जो है वो पक गई है कि नहीं। तो जब आपके आलू गल जाएं आप समझ जाएं कि जो सब्ज़ी है वो तैयार है। तो मैंने इसे थोड़ा टाइम और दिया है, मैं इसे कवर करके थोड़ी देर और पकने दूंगी और अब देखेंगे कि जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी फाइनल इंग्रेडिएंट, ये है क्रश्ड क्यूमिन यानी कि कुटा हुआ ज़ीरा, और ये होममेड है। इसकी रेसिपी जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो ज़रूर चेक करें। तो ये क्रश्ड क्यूमिन है और ये भुना हुआ ज़ीरा है, तो इसमें कोई रॉ फ्लेवर नहीं होगा, तो आप इसे एंड में डाल सकते हैं। तो ये देखें एक आलू हम चेक कर लेते हैं फोक की मदद से।
आलू जो है वो गल चुका है, मतलब सब्जी जो है हमारी तैयार है। और अब मैं इसमें हरी धनिया डाल के इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। वैसे हमने रेसिपी में हरी धनिया पहले ऐड किया है, ये सिर्फ हम गार्निश के लिए ऐड कर रहे हैं, और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई करें, होप करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे अभी अभी लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होमस्पन रेसिपीज़। यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।